हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। लास्ट वीडियो में हमने जून 2018 में हुए यूजीसी नेट के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के सेकंड पेपर का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम इसी पेपर का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस्ताद हाजी विलायत अली खां की गतों के जवाबी जोड़े किस तबला वादक ने किए? उस्ताद सलारी मियाँ, उस्ताद मोदू खां, उस्ताद मम्मू खां या उस्ताद आबिद हुसैन? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, उस्ताद सलारी मियाँ ने जो है गतों की जवाबी जोड़े किए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न पाश्चात्य वाद्य वृंद में से कौन सा अति विशाल वाद्य वृंद है? सोनेटा, सिम्फनी, ओपेरा या कॉन्सर्टो? इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, सिम्फनी। सिम्फनी जो है वाद्य वृंद का अति विशाल वाद्य वृंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पाश्चात्य संगीत में प्रचलित स्वरलिपि पद्धतियों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि इसमें बताना है कि जो पद्धति सबसे पहले आई है उसे पहले रखना है और बाद की पद्धति को बाद में। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, सोल्फा पद्धति, न्यूमस पद्धति, चीफ पद्धति और स्टाफ पद्धति। सबसे पहले सोल्फा पद्धति आई, उसके बाद न्यूमस, उसके बाद चीफ और उसके बाद स्टाफ पद्धति आई। तो इसका सही क्रम ऑप्शन दो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। पंडित शारदा सहाय को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? 1986 में, 1987, 1971 या 1972? तो पंडित शारदा सहाय को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। संगीत राज के लेखक हैं नंदीकेश्वर, नान्यदेव, राणा कुंभा या सिंह भूपाल? संगीत राज के लेखक राणा कुंभा है। इसका सही आंसर ऑप्शन थ्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। तो ये ताले हैं, इसको सुमेलित करना है उनकी मात्राओं से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, दिव्य लघु, ये जो है इसमें छह मात्रा होती है। सिंह लघु में आठ, वर्ण लघु में होती है दस और वाद्य लघु में बारह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, तीन, दो, चार, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित तालों को ताली की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए, इसको बताना है बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, फरोदस ताल 14 मात्रा की होती है और इसमें 5 तालियां होती हैं। बसंत ताल 9 मात्रा की होती है, इसमें 6 ताली होती है। रास ताल जो होती है वो 13 मात्रा की ताल होती है और इसमें 8 ताली होती है। अष्टमंगल ताल जो है ये 11 मात्रा की ताल होती है और इसमें 8 ताली होती है। तो इसका सही जो सीक्वेंस है वो 5 6 8 8 हो जाएगा, यानी कि फरोदस ताल, बसंत ताल, रास ताल और अष्टमंगल ताल। ऑप्शन नंबर फोर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख है दुंदुबी, ढवस, ढोल या डक्कुली का? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख दुंदुबी का मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दुंदुबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन 108 तालों की चरचरी ताल में कितने अंग हैं? 26, 22, 32 या 28? तो प्राचीन 108 तालों की चरचरी ताल में कुल 32 अंग मिलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन थ्री, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भरत की मतानुसार काव्य के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5? भरत की मतानुसार काव्य के 4 प्रकार हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन थ्री, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। उस्ताद आबिद हुसैन खान ने किस सन में मेरिस म्यूज़िक कॉलेज लखनऊ में अध्यापन कार्य किया? 1932 से 1940 के बीच, 1920 से 1938 के बीच, 1926 से 1936 के बीच या 1925 से 1939 के बीच? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन 3। 1926 से 1936 के बीच उस्ताद आबिद हुसैन खान ने मेरिस म्यूज़िक कॉलेज लखनऊ में अध्यापन कार्य किया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पखावज के जावली घराने से संबंधित हैं पंडित कृपाल राय, पंडित रामाशीष पाठक, पंडित रामाकांत पाठक, पंडित पागलदास। तो पखावज के जावली घराने से पंडित कृपाल राय संबंधित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, पंडित कृपाल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इसमें अभिकथन और कारण है, बताना है इसमें कि कौन सा अभिकथन और कारण सही है, कौन सा गलत है। तो इसका अभिकथन है कि गायकी के अनुरूप उपज अंग के साथ संगत से उचित परिणाम साध्य होता है। कारण है, बैठे बिठाए टुकड़े सहसा काम नहीं आते। तो ये दोनों ही जो है सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है कि गायकी के अनुरूप उपज अंग के साथ संगत से उचित परिणाम साध्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल साध्य होता है। और उसका कारण जो है कि बैठे बिठाए टुकड़े सहसा काम नहीं आते, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, तीन ताल के एक आवर्तन में किन्हीं दो तालों के एक आवर्तन की कुवाड़ी आती है। तो इसमें जो है बताना है कि तीन ताल के एक आवर्तन में किन दो तालों की कुवाड़ी आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आर कुवाड़ बी आर इन तीनों का बताया हुआ है कि कैसे जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है सूत्र की सहायता से। देखिए मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सूत्र अगर लगाएंगे कि किसी भी ताल की कुल मात्रा इंटू 4/5, ये लगाएंगे तो इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो इस सूत्र को जब हम लोग लगाते हैं इन सारे ऑप्शंस पर जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो तीन ऑप्शंस हैं वो सही हो रहे हैं। इस प्रकार जो है ये जो क्वेश्चन है ये जो है एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, रविंद्र संगीत की सात तालों में क्या नहीं दर्शाया गया है, विभाग, मात्रा संख्या, खाली का विभाग या जाति। रविंद्र संगीत की सात तालों में खाली का विभाग नहीं दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, खाली का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, उस्ताद अल्लाह रखा खां को सुर सिंगार संसद बम्बई द्वारा ताल विलास सम्मान किस सन में प्राप्त हुआ, 1977, 1965, 1960 या 1970। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां को सुर सिंगार संसद बम्बई द्वारा ताल विलास सम्मान 1965 में प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1965। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संगीत का इतिहास के लेखक हैं लालमणि मिश्रा, शरद चंद्र श्रीधर पराजंपे, गोविंद राव राजुरकर या पुरुद अधीक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शरद चंद्र श्रीधर पराजंपे, ये जो है भारतीय संगीत इतिहास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सप्त तालों में किस ताल में सबसे अधिक लघु का प्रयोग हुआ है, मठ ताल, ध्रुव ताल, त्रिपुट ताल या अठ ताल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ध्रुव ताल। देखिए मठ ताल में जो है मठ ताल की जो मात्रा चिन्ह है वो है लघु गुरु लघु, ध्रुव ताल की है लघु गुरु लघु लघु, त्रिपुट ताल की लघु गुरु गुरु और अठ ताल की है लघु लघु गुरु गुरु। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लघु की मात्रा जो है वो ध्रुव ताल में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए, बी हो जाएगा, ध्रुव ताल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, इसमें सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित करते हैं, बसंत ताल की बियाड़ एक आवर्तन में कितने मात्रा में आएगी। बसंत ताल की बियाड़ एक आवर्तन में 5/1/7 मात्रा में आएगी, धमार ताल की बियाड़ एक आवर्तन में 8 मात्रा में आएगी, बड़ी स्वरित ताल की बियाड़ एक आवर्तन में 9/1/7 मात्रा में आएगी और विष्णु ताल की कुवाड़ एक आवर्तन में 13/3/5 मात्रा में आएगी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा,
2, 1, 4, 3 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है ये, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, ऑप्शन 4 इज़ राइट आ जाएगा 2, 1, 4, 3। फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि इसको कैसे निकालते हैं, आर को आर बी आर को एक आवर्तन में कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द ही बनाऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। लखनऊ घराने के तबला वादकों को बढ़ते क्रम में काल क्रमानुसार लिखिए, यानी कि इसमें बताना है कि जो पहले आए हैं उनको पहले रखना है और जो बाद में आए हैं उनको बाद में रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, उस्ताद मम्मू खां, फिर मोहम्मद खां, फिर उस्ताद मोदू खां, फिर उस्ताद बख्शू खां। ये इनका सही क्रम है, पहले मम्मू खां आए, फिर उस्ताद मोहम्मद खां, फिर उस्ताद मोदू खां और फिर उस्ताद बख्शू खां। तो ये इसका सही सीक्वेंस है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का 5th पार्ट, जिसमें कि आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।